हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशंस की। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कंप्यूटर के इतिहास की, कंप्यूटर की हिस्ट्री की, और आज जो हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियों की। एक विशेष बात जो आप सभी को ध्यान में रखना है वो ये है कि जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कंप्यूटर के इतिहास की यदि बात की जाए तो 1600 BC to 1946 अबे कस से लेकर के एनिक बनने तक का जो पूरा समय काल रहा है वो कंप्यूटर का इतिहास कहलाता है। और 1946 से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक जब एनिक बना था, एनिक से बनने से लेकर के आज जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो टाइम पीरियड है ये उसकी जनरेशन का पार्ट है। और थर्ड बनता है इसका एवोल्यूशन, ठीक, इसकी वृद्धि की बात करें कंप्यूटर की, तो विकास की अगर बात करें कंप्यूटर की तो 1600 BC to present time तक। तो ये तीनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हिस्ट्री अलग है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री का टाइम पीरियड अलग है, अगर हम बात करें कंप्यूटर की जनरेशन की तो उसका टाइम पीरियड अलग है, और उसकी वृद्धि की बात करें, उसके विकास की बात करें कंप्यूटर की तो उसका अलग। तो यहां पर आज के जो लेक्चर है हमारा वो है उसकी जनरेशन के ऊपर। अब जनरेशन क्या है, पीढ़ी क्या है, उसकी पीढ़ी को क्यों हम पढ़ रहे हैं और पीढ़ी के जो घटक है वो क्या क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जब 1946 में हमारा कंप्यूटर बना था फर्स्ट एनिक, उसके पहले हमने पिछले वीडियोस लेक्चर्स में देखे हैं कि किस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग जो है खोज करके और एनिक तक पहुंचे, फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनने के बाद जैसा कि हमने देखा था उसे कि वो काफी बड़ा एक कंप्यूटर था जो एक बहुत बड़े कमरे के एक गोडाउन के बराबर था, और उस कंप्यूटर से लेकर के आज जो हमारे हाथ में छोटा सा कंप्यूटर है, छोटे लैपटॉप हम यूज कर रहे हैं, यहां तक आने में जिन जिन तकनीकों का प्रयोग हुआ और जो जो उन तकनीकों में चेंजेस आए हैं, जो उस प्रक्रिया में, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, जो उसकी प्रोसेसिंग में परिवर्तन हुए हैं, उन सभी को अलग अलग पीढ़ियों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर के विकास के चरण को समझने में आसानी होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की, और सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है उसका जो स्टार्टिंग है, अगर हम बात करें एनिक की, तो एनिक कब बना था, 1946 में हमारा फर्स्ट कंप्यूटर बना था। तो अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर का वो हमारा होता है 1942 to 1955 तक, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था, तो पहली जो उसकी पीढ़ी थी, फर्स्ट जो उसकी जनरेशन है वो कहां से कहां तक है, 1942 to 1955। एक और विशेष बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आप अलग अलग बुक्स में अगर देखेंगे तो ये जो जनरेशन का टाइम पीरियड है वो आपको अलग अलग मिलेगा। अभी जो हम यहाँ पे टाइम पीरियड आपको बता रहे हैं ये एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है, साथ ही साथ हमने इस लेक्चर को बनाने के लिए पीटर नॉटन की भी मदद ली हुई है। तो यहां पर जो आपको डेट बताई जा रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आप उसे यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर प्रश्न आता है तो आपको इन डेट्स को फॉलो करना है, क्योंकि पूरी तरह से प्रमाणित है। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो हमारा फर्स्ट जनरेशन कहां से कहां तक आता है, 1942 to 1955 तक। अगर हम बात करें इस जनरेशन की, तो इस जनरेशन में कंप्यूटर के अंदर क्या था और उसमें क्या क्या बदलाव आए, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे कि देखा था कि जो हमारा कंप्यूटर बना था फर्स्ट, जो एनिक बना था, तो एनिक का आकार बहुत बड़ा था, और एनिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वहां पर यूज किया गया वो क्या था, वो था हमारा वैक्यूम ट्यूब। क्या था, वो था वैक्यूम ट्यूब, और वो क्या था, वो एक छोटे से बल्ब के समान यूनिट, एक सब्सटेंस था, जो कंपोनेंट था, जो क्या करता था, उस कंप्यूटर की प्रोसेस के लिए आवश्यक था, जिसके थ्रू वो कंप्यूटर हमारा प्रोसेस करता था, उस कंपोनेंट का वहां पे यूज किया जाता था, जिसका नाम क्या था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अब ये एक आप देखें छोटे से बल्ब की तरह था, और क्योंकि इसमें प्रोसेस जो थी, प्रोसेस के लिए पूरा जिम्मेदार यही था उस कंप्यूटर के अंदर, तो उससे होता क्या था, एक्चुअली ये बल्ब की तरह था। आप जैसे समझ सकते हैं कि जो 100 वाट के हमारे बल्ब आते हैं, अगर आप उसे थोड़ी देर लगाएं तो किस तरह से हीट हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये जो वैक्यूम ट्यूब थी
वो भी बहुत गर्म हो जाया करती थी, जिसके लिए जो पूरा का पूरा कंप्यूटर था उसके अंदर बहुत सारे एसी की आवश्यकता पड़ती थी जो उसे समय समय पे ठंडा करें, क्योंकि हर एक प्रोसेस के बाद वो बहुत ज्यादा हीट होता था। जिस तरह से वो बल्ब हमारा 100 वॉट का बल्ब किस तरह से गर्म होता है, उसी प्रकार से गर्म हो जाती थी। इसके साथ ही गर्म होने के साथ ही जो उसके बड़े बड़े कॉम्पोनेंट्स थे उनके रख रखाव में प्रॉब्लम आती थी, उनके रख रखाव में ज्यादा ध्यान देना पड़ता था। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो वैक्यूम ट्यूब की वजह से प्रोसेस तो होने लगी थी, लेकिन वो हीटिंग की वजह से क्या होती थी, वैक्यूम ट्यूब कई बार फट जाते थे। फट जाने की वजह से वहां पे सिस्टम डैमेज हो जाता था, वो प्रोसेस रुक जाती थी, तो वो भी एक नुकसान था उसका। लेकिन उस समय की अगर हम बात करें तो समय के अनुसार उस कंप्यूटर का वहां पे उपयोग किया जाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उसके पहले उस तरह की कोई डिवाइस नहीं थी, कंप्यूटिंग हमारे पास डिवाइस नहीं थी। इसके आने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ जो उसके पहले हुआ करती थी। ठीक है, तो बात करें अगर एडवांटेज की, तो एडवांटेज तो इसका यही था कि एक हमें लेटेस्ट कंप्यूटर एक मिल चुका था जो कंप्यूटिंग ऑपरेशंस को आसानी से परफॉर्म कर सकता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं जिसकी जनरेशन है 1942 टू 1955। और अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही था कि वैक्यूम ट्यूब गर्म हो जाने के कारण वो फट जाती थी, और इसके जो बड़े बड़े आकार के जो इसके कॉम्पोनेंट्स थे उनके रख रखाव में बहुत खर्चा आता था, और उसके लिए बहुत सारे एसी की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये था हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब हम बात करें हमारे सेकंड जनरेशन की। तो जो हमारा कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज किया था, सेकंड जो जनरेशन है हमारी, जो सेकंड जनरेशन है वो है 1955 टू 1964। ठीक है, ये हमारा सेकंड जनरेशन है कंप्यूटर की। और इस जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में आपके पास क्या था, वैक्यूम ट्यूब। और इस अगर हम बात करें तो सेकंड जनरेशन ने क्या किया, जो वैक्यूम ट्यूब थी उस वैक्यूम ट्यूब को यहां पे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया। ट्रांजिस्टर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में। अब इस ट्रांजिस्टर के प्रयोग से क्या हुआ, जो वैक्यूम ट्यूब की वजह से कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था वो आकार थोड़ा कम हो गया। पहले बहुत बड़ा एक कमरे के बराबर, एक गोडाउन के बराबर जो हमारा कंप्यूटर था उसका आकार छोटा हो गया सिर्फ ट्रांजिस्टर के आने की वजह से, क्योंकि ट्रांजिस्टर ने क्या किया, उस वैक्यूम ट्यूब को वहां से रिप्लेस कर दिया। प्रोसेस के लिए अब जो मुख्य जिम्मेदार जो कंपोनेंट था वो उस समय ट्रांजिस्टर था। ट्रांजिस्टर के आने से आकार छोटा हुआ। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड थी उस स्पीड को भी इसने बढ़ा दिया, पहले की स्पीड से इसकी स्पीड ज्यादा हो गई और इसके रखरखाव में भी पहले की तुलना में खर्च कम आने लगा। इसकी जो हीटिंग थी वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कम हो गई। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसकी जो हीट होने की प्रोसेस, जो उसका हीटिंग था, पहले बहुत बड़े आकार का होता था, वैक्यूम ट्यूब के वो ज्यादा गर्म होता था। ट्रांजिस्टर के आने से उसका वो जो गर्म होना है, जो वार्म होना है, वो थोड़ा कम हो गया। और अगर हम बात करें हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की, तो इसमें जो है फर्स्ट टाइम आपकी फ्लॉपी डिस्क जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, वो एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास फ्लॉपी डिस्क नहीं थी, सेकंड जनरेशन में ही। फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड हुआ करते थे, सेकंड जनरेशन में हमारे पास आई फ्लॉपी डिस्क जो एक स्टोरेज डिवाइस का काम करती थी। अब हम बात करें ये तो हमारे सेकंड जनरेशन हो गया। अगर एडवांटेज की बात करें तो उसका एडवांटेज यही था कि वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन वाली थी, वो क्या होती थी, गर्म होती थी, वो फट जाती थी। यहां पे क्या था, वो समस्या का समाधान हो गया सेकंड जनरेशन में जब हमारे पास ट्रांजिस्टर आ गया। और ट्रांजिस्टर के आने से क्या हुआ, ट्रांजिस्टर के आने से उस कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो गया, साथ ही साथ जो हमें एक यूनिट मिल गई थी यहाँ पे वो थी फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, वो फ्लॉपी डिस्क किसके लिए थी, वो एक स्टोरेज डिवाइस थी जो डेटा को स्टोर करती थी। तो यहां पर 1955 टू 1964 तक जो हमारा कंप्यूटर था उसे हमने नाम दिया है सेकंड पीढ़ी, सेकंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के। कंप्यूटर की तृतीय जनरेशन की, तृतीय पीढ़ी की, थर्ड जनरेशन की। और जो थर्ड जनरेशन है कंप्यूटर की उसकी जो शुरुआत है वो होती है 1964 टू 1975। ये है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। ठीक है, अब इस थर्ड जनरेशन में
अगर हम बात करें तो जो इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, मुख्य इलेक्ट्रॉनिक जो इसका भाग था वो था आईसी, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आपने इसका नाम सुना होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। से क्या हुआ, जैसे फर्स्ट में आपके पास क्या था, फर्स्ट में आपके पास ट्रांजिस्टर था, ठीक है, उसके पहले क्या था आपके पास, ट्रांजिस्टर के पहले आपके पास था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब की वजह से क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब की वजह से कंप्यूटर बहुत ज्यादा गर्म होता था। ट्रांजिस्टर आया, इससे क्या हुआ, इससे थोड़ा उसकी जो फर्स्ट वाली जनरेशन थी उसकी तुलना में यहां पर जो है जो उसकी गर्म होने का जो था रेट वो थोड़ा कम हुआ, ठीक है, और आकार जो है वैक्यूम ट्यूब से सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आने से छोटा हो गया। जब आईसी आया तो आईसी ने इन दोनों को ही हटा करके आईसी को लगाने से क्या हुआ, आईसी को लगाने से हुआ कि कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड था वो और ज्यादा छोटा हो गया, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट क्या करता है, वो बहुत से कंपोनेंट का एक सॉल्यूशन होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो सर्किट का आकार है वो काफी छोटा हो जाता है। सर्किट का आकार छोटा हो जाने से जो कंप्यूटर का सिस्टम, जो सिस्टम का डिजाइन है वो भी छोटा हो गया, आकार छोटा हो गया और वो कम स्पेस में आने लगा, ठीक है, साथ ही साथ जो उसका वार्मिंग रेट था, जो उसके गर्म होने की दर थी वो भी कम हो गई, पहला सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कम हो गए। और जो उसके मुख्य जो बात करें, इसके मुख्य जो बिंदु हैं इस जनरेशन के, जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कीबोर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, कीबोर्ड को यहाँ पे लॉन्च किया गया था थर्ड जनरेशन के अंदर, साथ ही साथ यहाँ पर माउस की जो है डेवलपमेंट पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाने लगा था। कीबोर्ड पूरी तरह से प्रयोग में आ गया था, कीबोर्ड से डायरेक्टली कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता था, साथ ही साथ माउस के ऊपर भी वर्क स्टार्ट हो चुका था। थर्ड जनरेशन में माउस के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी थी एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन की अगर एडवांटेज की बात करें तो थर्ड जनरेशन का एडवांटेज क्या था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से काफी रिलायबल थे, प्रोसेस इनकी फास्ट थी, वार्मिंग रेट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से इनका कम था, आकार सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में काफी छोटा था, ठीक है, और रिलायबिलिटी बढ़ गई थी। मेंटेनेंस की अगर बात करें तो सेकेंड जनरेशन में भी अभी ज्यादा ही लग रहा था मेंटेनेंस, थर्ड में जाकर के थोड़ा सा और वो रिड्यूस हुआ है। जो मुख्य उस समय के कंप्यूटर हैं जिनके हम बात करें तो वहां पर जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है IBM 360 और IBM 370। जो IBM है, IBM कंपनी, उसके ये दो मुख्य कंप्यूटर थे जो थर्ड जनरेशन में उपयोग हो रहे थे, ठीक है। तो यहां पर हमने कंप्लीट किया थर्ड जनरेशन, अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो फोर्थ जनरेशन है, जो चतुर्थ पीढ़ी है कंप्यूटर की, उसका जो समय काल दिया गया है, उसका समय काल दिया गया है फोर्थ जनरेशन का 1975 टू प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब अभी जो हमारा समय चल रहा है इस समय की बात करें। और इसका जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें, जो इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो इस समय रहा, इस पीढ़ी में रहा, वो था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। अब ये बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो जैसा हमने लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था जिसके अंदर हमने प्रैक्टिकल किया था, सीपीयू को हमने ओपन किया था, वहां पे मदरबोर्ड को ओपन करके मैंने आपको बकायदा दिखाया था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर आया, उसका आकार काफी छोटा हो गया, और एक माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, बहुत से आईसी सर्किट को जो है रिड्यूस कर दिया वहां से, ठीक है। अब उससे हुआ क्या कि कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया काफी, जो हम लैपटॉप यूज करते हैं, जो हम डेस्कटॉप यूज करते हैं, इनका आकार छोटा संभव माइक्रो प्रोसेसर की वजह से ही हो पाया, इसकी वजह से आकार छोटा हुआ, प्रोसेस बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट हुई, जो उसकी एग्जीक्यूशन रेट है वो बढ़ गया, मतलब किसी भी कार्य को करने का जो उसकी क्षमता थी, उसकी जो प्रोसेस करने की जो टाइमिंग थी वो एकदम से बढ़ गई, उससे कंप्यूटर और ज्यादा रिलायबल हो गया। साथ ही साथ स्टोरेज की अगर हम बात करें तो यहां पर जो सेकेंडरी स्टोरेज थी हमारी, जिसकी हम बात करें मुख्य जो स्टोरेज है, वो क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी आप सुन रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉग कंप्यूटिंग, ठीक है, यहाँ पे डाटा, बहुत सारा डाटा, कितना भी डाटा आप स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर के फोर्थ जनरेशन के अंदर एक बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा स्वरूप देखने को मिला हमें स्टोरेज डिवाइस का, ठीक है।
अब इसी जो हमारे फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन के अंदर ही एक जो टर्म सबसे ज्यादा उपयोग हुई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, VLSI। ठीक है, ये नाम आपने कई सिस्टमों के ऊपर देखा होगा। ठीक है, ये VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट से, इसके नाम से कॉन्सेप्ट हमें समझ में आता है कि क्या करता है। जो इंटीग्रेटर सर्किट थे उन सभी को मर्ज करके जो टेक्निक यूज की गई थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, उसको नाम दिया गया था। और इसका कार्य यही था, इसने क्या किया, सिस्टम को बहुत छोटा कर दिया। आज हमारे मोबाइल फोन के अंदर हम कंप्यूटर उपयोग कर पा रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण VLSI है, माइक्रो प्रोसेसर है। उसकी मदद से ही, उसकी सहायता से ही कंप्यूटर के आकार को इतना छोटा किया जाना संभव हो पाया, साथ ही साथ इसकी प्रोसेस इतनी ज्यादा बढ़ पाई। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेसर को समझेंगे, प्रोसेसर के विभिन्न प्रकारों को समझेंगे, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर क्या होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम बात करें कंप्यूटर जनरेशन की, तो उसका टाइम पीरियड और कंप्यूटर हिस्ट्री या कंप्यूटर के इतिहास की बात करें, तो उसका टाइम पीरियड अलग अलग है। साथ ही साथ कंप्यूटर के विकास की दर अगर बात करें, विकास की बात करें, एवोल्यूशन की बात करें, तो उसका समय अंतराल, उसका टाइम पीरियड हमें अलग अलग बताना होता है। तो कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ध्यान रखिए 16 BC टू प्रेजेंट टाइम तक, अबेकस से लेकर के करंट जो भी कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, ये सारे आते हैं उसके एवोल्यूशन के अंदर, कंप्यूटर के विकास के अंदर। और अगर हम कंप्यूटर के इतिहास की बात करें, तो 16 BC अबेकस से लेकर के एनिक बनने तक की जो पूरी प्रोसेस थी, जो विभिन्न साइंटिस्ट आए जिन्होंने सारे रिसर्चेस किए, और जो भी कार्यक्रम हुआ उसके बीच में, जो भी डेवलपमेंट हुई, वो सारी की सारी उसका इतिहास कहलाता है। और एनिक के बनने के बाद से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक जो कंप्यूटर्स में बदलाव हुए हैं, उन सभी बदलावों को कंप्यूटर की जनरेशन कहा गया है, कंप्यूटर की पीढ़ी कहा गया है। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे लास्ट जनरेशन है, अंतिम जो पीढ़ी है, प्रेजेंट का तो समझ में आ गया कि सर प्रेजेंट मतलब आपने अभी की बात कर ली, कि अभी जो हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं वो सारे तो हमारे प्रेजेंट कंप्यूटर हो गए। अच्छा, इसके एडवांटेजेस की भी अगर हम बात करें, तो एडवांटेजेस आप सभी लिखने में सक्षम है कि इसके एडवांटेज क्या हो गए। वेरी फास्ट स्पीड हो गई, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गई, आकार बहुत छोटा हो गया, मेंटेनेंस कम हो गया, जो वार्मिंग रेट था वो कम हो गया इसका, ये बहुत ज्यादा रिलायबल हो गए, इसके पास स्टोरेज क्षमता बहुत ज्यादा हो गई। तो ये सारे इसके क्या थे, ये सारे इसके एडवांटेज थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन जो है वो प्रेजेंट से कहां तक गई है, उसको दिया गया है प्रेजेंट टू फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट टू फ्यूचर मतलब आने वाले समय में अब इस तकनीक पे काम चल रहा है। ये जो है पंचम पीढ़ी है, यह जो है फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर की। और इस जनरेशन की अगर बात करें, तो इसके मुख्य बिंदु क्या क्या होने वाले हैं, तो सबसे पहला होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, मशीनें ऑटोमेटिक खुद से डिसीजन ले रही हैं, काम कर रही हैं। आपने सोफिया का नाम सुना होगा, एक ह्यूमनॉइड है, एक रोबोट है, आपने सोफिया असीमो सुना है। ठीक है, ये सारे रोबोट्स बनाए गए, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमाण है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कितना इम्प्लीमेंट कर गई है, कितना ग्रो कर गई है। ठीक है, आने वाले फ्यूचर में इस तरह की आधुनिक कंप्यूटराइज मशीनें, रोबोट्स और ये सारी चीजें आने वाली हैं, और वो सभी पार्ट होंगे हमारे फिफ्थ जनरेशन के, पंचम पीढ़ी के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चीजों को ध्यान से समझें। आपको बुक्स में इनकी डेट्स अलग अलग मिलती हैं जनरेशन की, तो कन्फ्यूज ना हो। हमने ये जो डेट यहाँ पर आपके सामने शो की है, ये सारी डेट केंद्रीय जो शिक्षा प्रणाली है उसके द्वारा लॉन्च की गई बुक्स तथा NCERT बुक्स को प्रिफर करके, पीटर नोटन की बुक को प्रिफर करके ये डेट्स हम आपके सामने लाए हैं। और ये डेट्स पूरी तरह लेवल हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन डेट्स को, अगर आपको ये फॉर्मेट आती है तो आप इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से प्रमाणित है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है NCERT की, आपको बुक मिल जाएगी, वहां पर लिंक से क्लिक करके आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजफुल रहा होगा, आपको काफी पसंद आया होगा। अपने सुझाव कमेंट अवश्य करें, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।